बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अभी तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा है, इसके अलावा हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो 19th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हो गए थे। 19th सेंचुरी तक इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, और जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और कब की थी? 1910 में। यानी इनकी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद एटम का शेप कुछ इस तरह से था। ये एक एटम होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स का पाथ या उनकी ट्रेजिट्री नहीं पता लगाई गई थी। ये तो हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब रदरफोर्ड ने जो प्लैनिटरी एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पायरल पाथ में घूम रहे हैं, और स्पायरल पाथ का उसने कैसे बताया था? उसने कहा था कि एटम का कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसी भी एटम का तभी बनता है जब उसके इलेक्ट्रॉन का स्पायरल पाथ हो, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो जब स्पायरल पाथ में घूमेगा आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। न्यूक्लियस के करीब जब आता जाएगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो इस पाथ में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल कम हो रही है, कम होती जा रही है। तो जो एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि एनर्जी इमिट होती जा रही है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट करता जा रहा है। तो ये काफ़ी सारे एनर्जी बन जाती है। ये लेट्स सपोज 1 किलो जूल पर मोल है, तो ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4, 5, और इसी तरह मुसलसल। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, लेकिन हकीकत में तो एटम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, ये सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड की प्रिडक्शन थी। अब एटम का जो असल स्पेक्ट्रम है वो बोहर ने बताया था। बोहर ने कहा था कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह से था कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो रदरफोर्ड ने ही कर ली थी। बोहर ने बताया था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के पाथ हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इन पाथ्स की डेफिनेट एनर्जी होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स, या फिर इनको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। अब ये वाला जो ऑर्बिट है इसकी अपनी एनर्जी होगी, ये वाला ऑर्बिट इसकी अपनी एनर्जी होगी, यानी ये वाला ऑर्बिट E1 एनर्जी पे है, इसकी एनर्जी को हम E1 कह देते हैं, और ये जो सेकेंड ऑर्बिट है ये E2 एनर्जी पे है। लेट सपोज E1 की एनर्जी है 5 किलो जूल पर मोल, 5 किलो जूल पर मोल, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल ही होगी। और मान लेते हैं, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि E2 शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल, यानी इन दोनों जो ऑर्बिट्स हैं इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है 5 किलो जूल पर मोल। और दूसरी बात, पहली बात तो इसने कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डेफिनेट पाथ्स अराउंड न्यूक्लियस। फिर दूसरी इसने बात की थी कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट या एक ही शेल में रहेगा तो ना वो एनर्जी को लॉस करेगा और ना गेन करेगा। एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अंदर वाला ऑर्बिट कम एनर्जी पे है और बाहर वाला ऑर्बिट ज़्यादा एनर्जी पे है, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर तभी आ सकेगा जब वो एनर्जी को गेन करेगा, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में तभी जा सकेगा जब वो एनर्जी को लॉस करेगा। तो एज लॉन्ग एज
लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन वन ऑर्बिट इट नीदर एमिट्स नॉर एब्सोर्ब एनर्जी, नॉर एब्सोर्ब एनर्जी यानी ना ही एनर्जी का एमिशन होगा ना ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। अब थर्ड पॉइंट ये क्या कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा अंदर से बाहर या बाहर वाले शेल से अंदर की तरफ तो एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा, और जो एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा वो बराबर होगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स। अब देखिए ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस बन रहा है यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल बराबर हो जाएगा ई टू माइनस ई वन, यानी ई टू की एनर्जी में से आपने ई वन की एनर्जी माइनस कर देनी है, तो 10 किलो जूल में से आपने 5 किलो जूल माइनस कर देना है, पीछे बचा 5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन ने बाहर आना है तो इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी 5 किलो जूल पर मोल, 5 किलो जूल पर मोल। ये तो हो गया एक केस पड़ेगा। इसके बरक्स अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो बाहर वाला आउटपुट चूंकि हाई एनर्जी पे है तो ये एनर्जी को इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, तभी अंदर जा सकेगा। तो इस केस में ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 5 किलो जूल पर मोल। फिर चौथा पॉइंट इन्होंने बताया, ये तो हो गया तीसरा पॉइंट किसके बारे में है, इमिशन है और एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब एक आ जाता है लास्ट पॉइंट इसने क्या बताया था कि हर एक ऑर्बिट के साथ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होता है, और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होगी एन एच डिवाइडेड बाय 2π, वेयर एन इज द शेल नंबर, एन बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सोन। अब पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है तो एन की जगह आपने 1 पुट करना होगा, दूसरे शेल का कैलकुलेट किया तो एन की जगह 2 पुट करना होगा, और एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एच की वैल्यू होती है 6.602 raised to the power minus 34 जूल्स सेकेंड, सॉरी यहाँ पर आएगा 6.628, ये जीरो बीच में नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आप किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मालूम कर सकते हो। तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बोहर के एटॉमिक मॉडल में जो मेन डिस्कवरी थी वो इन एनर्जी लेवल्स की थी। न्यूक्लियस तो पहले से ही रदरफोर्ड ने डिस्कवर कर दिया था, इसकी मेन डिस्कवरी जो है वो ये एनर्जी के लेवल्स हैं। अब ये इसको बोहर को कैसे पता चला कि एटम के अंदर एनर्जी के लेवल्स इस तरह होते हैं, सर्कुलर होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये इसको एटम के स्पेक्ट्रम से पता चला। एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब पहले हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जब भी किसी चीज को तरतीब से रखा जाएगा तो उसको स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। आपके पास रैंडमली कोई भी चीज पड़ी हुई है उसको आपने तरतीब दे दी, रैंडमली चीजों में से आपने अलग अलग चीज को तरतीबवार रख दिया तो वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब जैसे देखें कॉमन सा एक ऑब्जर्वेशन होता है कि सनलाइट जो होती है उसके अंदर आप सबको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हुए होते हैं तो वो आपको वाइट नजर आती है। उसको जब आप प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं, ये सनलाइट इस प्रिज्म के ऊपर आपने डाली तो ये जो है इसके कलर्स स्प्लिट अप हो जाएंगे, आपको 7 कलर्स अलग अलग नजर आएंगे, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज
और रेड, आपको इस तरह के सात कलर्स अलग अलग से नजर आएंगे। तो इस चीज को अब स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया, यानी किसी भी चीज के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करके, और ये देखो हर एक कलर की वेवलेंथ अलग होगी, तो ओवरऑल जो सनलाइट थी उसमें सारी वेवलेंथ ऐसे गिजमिज, तो ओवरऑल जो वाइट सनलाइट थी उसमें हर किस्म की वेवलेंथ इकट्ठी साथ पड़ी हुई थी। हम तो प्रिज्म ने क्या किया, हर किस्म की वेवलेंथ को अलग कर दिया और इनको तरतीब से ऐसे लगा दिया, तो अब ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा। स्पेक्ट्रम दो किस्म का होता है, स्पेक्ट्रम की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है इसके अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या डिफरेंट लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुई हुई होती है, उनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं होती। जैसे इसकी एग्जांपल में आ जाएगा रेनबो। रेनबो अगर आपने देखी भी हो तो उसके अंदर सात कलर्स होते हैं और सात कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हुए होते हैं, उनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं होता। तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी एक कलर दूसरे के अंदर मर्ज हो रहा है। और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट एनर्जीज या जो डिफरेंट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो मर्ज नहीं हो रहे होते, बल्कि उनके बीच में खाली जगह होती है काफ़ी सारी। अब जैसे ये आपको डिफरेंट कलर्स या एनर्जीज नज़र आ रही हैं, इनके बीच में खाली सारी जगह है। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एटम फॉर्म्स लाइन स्पेक्ट्रम। अब जैसे देखें ये एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। अब पहला शेल की एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल है, दूसरे की लेट्स सपोज 10 है, तीसरे की आ गई है 20। तो इनके इन दो शेल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो आ रहा है 5 किलो जूल पर मोल, और इन दो शेल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो 10 किलो जूल पर मोल आ रहा है। तो इन दो शेल्स में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, और अगर इन दोनों शेल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा तो 10 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर इन रिलीज्ड एनर्जी का आप स्पेक्ट्रम बनाएं तो एक एनर्जी की लाइन आएगी 5 किलो जूल पर मोल पे और दूसरी आएगी 10 किलो जूल पे। ये होगी 5 किलो जूल पर मोल के लिए और ये होगी 10 किलो जूल पर मोल के लिए। इन दो लाइंस के बीच में और किसी भी किस्म की कोई लाइंस नहीं होगी, और ये दो लाइंस बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग दिख रही हैं, इनके ये आपस में मर्ज नहीं हो रही। तो इसी को तो कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, और उसके लाइन स्पेक्ट्रम की वजह क्या है कि उसके अंदर डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो ये था बोहर का मेन अचीवमेंट, यानी उसने एटम के शेल्स का डिस्कवर किया था, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ट्रेजिट्री को इसने डिस्कवर किया था। अब ये बोहर की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन इसके अंदर भी बोहर के कुछ डिफेक्ट्स हैं, वो डिफेक्ट्स हम देख लेते हैं। पहले तो इसका डिफेक्ट ये है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिफाइन किया। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम, हीलियम पॉजिटिव, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा Li2+, Li कैटाइन वगैरह के सिस्टम इसने डिफाइन किए थे। इसने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिफाइन नहीं किया, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और दूसरी इसका डिफेक्ट यह है कि जो एटम का लाइन स्पेक्ट्रम है, ये लेट्स सपोज एक एटम का लाइन स्पेक्ट्रम है, इसको जब हाई रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा गया तो हर एक लाइन, इसको जब एक हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जब इसको देखा गया तो हर एक लाइन इसकी स्प्लिट अप हुई है, हर लाइन स्प्लिट अप हुई भी है। अब बोहर ने एनर्जी
एनर्जी की इन लाइंस की स्प्लिटिंग के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और दूसरी बात कि बोहर ने बताया था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स हैं वो एक ही प्लेन में हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि ये शेल्स एक प्लेन में नहीं होते बल्कि ये थ्री डायमेंशनल बोहर एटॉमिक मॉडल का चौथा डिफेक्ट है कि इसने ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट को नहीं डिफाइन किया। ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। अब ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है? जब किसी भी एटम के, ये तो थी हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू स्प्लिटिंग एक्स स्पेक्ट्रम की, ये बोहर का स्पेक्ट्रम है। बोहर ने फाइन स्पेक्ट्रम बताया था कि फाइन लाइंस होती हैं, डिस्क्रीट लाइंस होती हैं और उनके बीच में खाली जगह होती हैं। जब इसी स्पेक्ट्रम को हाई रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा गया तो हर एक लाइन स्प्लिट अप हुई हुई थी, दो दो तीन तीन लाइंस में, कोई दो में, कोई तीन में, कोई एक में। अब इस स्प्लिटिंग, अब ये वाली स्प्लिटिंग यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये वाली जो स्प्लिटिंग थी ये इस वजह से थी कि एक शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं। बोहर ने सिर्फ शेल्स के बारे में बताया था, बोहर ने सिर्फ ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, शेल्स या ऑर्बिट्स, लेकिन हर शेल या ऑर्बिट के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं। बोहर को सब शेल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो ये सब शेल्स के बारे में तो पता तब चला जब इस स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा गया तो ये एक लाइन जो है बोहर स्पेक्ट्रम की ये फर्दर स्प्लिट अप हुई हुई थी, ये फर्दर दो तीन लाइंस पर मुश्तमिल थी। तो इन लाइंस से हमें वाजे होता है कि एक शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स भी होते हैं। लेकिन जब इस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्पेक्ट्रम की हर एक लाइन, अब इस चीज को हम रिजोल्व कर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लाइन भी फर्दर स्प्लिट अप हुई हुई है, कोई लाइन दो लाइंस में, कोई तीन में और कोई एक में हुई है। यानी ये एक लाइन जो है, ये जो स्ट्रक्चर था रिजोल्व्ड स्ट्रक्चर बोहर के स्पेक्ट्रम का, वो फर्दर स्प्लिट अप हुआ हुआ है इनटू डिफरेंट लाइंस। तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये इस वजह से है कि एवरी सबशेल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, एवरी सबशेल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस। जैसे अब देखो सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। एस सब शेल तो स्फेरिकल होता है, इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, एक्स वाई जेड सारे प्लेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। जो पी सब शेल होता है उसके तीन ओरिएंटेशन होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। इसका एक ग्लोब एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। तो डिफरेंट एक्सिस पे इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में इसका, इसकी वजह से जो लाइन आ रही है उसकी स्प्लिटिंग होगी। अब डी ऑर्बिटल की टोटल पांच ओरिएंटेशंस होती हैं, एक एक्स वाई प्लेन में होता है, डी वाई जेड, वाई जेड प्लेन में होता है, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। इसके अलावा एफ ऑर्बिटल्स की सेवन ओरिएंटेशंस होती हैं, तो इसकी फिर इसके ओरिएंटेशंस के हिसाब से स्प्लिटिंग होगी। ये तो था ज़ीमैन इफेक्ट। अब ज़ीमैन इफेक्ट के बाद एक होता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट किसको कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी दोनों केस में वो स्प्लिटिंग ही रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग ही हो रही है, लेकिन ज़ीमैन इफेक्ट में स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है और स्टार्क इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये वाली जो सारी कहानी है कि बोहर का जो स्पेक्ट्रम था उसमें एक लाइन जो है उसको जब रिजोल्व करके देखा गया तो वो दो तीन लाइंस पर मुश्तमिल थी, वो काफ़ी सारी लाइंस पर मुश्तमिल थी। और फिर जब इस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो हर एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर और ज़्यादा स्प्लिट अप हो रही थी।
तो इस चीज से हमारे पास क्वांटम नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, यानी एक शेल एक नहीं होता बल्कि उसके अंदर फर्दर सब शेल्स भी होते हैं और सब शेल्स की फिर डिफरेंट ओरिएंटेशंस भी होती हैं। एक और बोहर का जो इफेक्ट है उसने ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, बोहर ने ऑर्बिट्स के बारे में बताया था, और ऑर्बिट्स जो होते हैं वो डेफिनेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास पाथ में नहीं घूमता बल्कि एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में घूमता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो बोहर ने कहा था कि यही डेफिनेट पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ इस तरह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ इस तरह होता है। ये सारा रीजन इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। इस रीजन के बाहर या अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस रीजन में पाया जाएगा। तो ये रीजन जो है ये एक होलोस्फीयर है, ये बिल्कुल एक होलोस्फीयर की तरह है, और इस को कहा जाएगा ऑर्बिटल, जबकि इसको ऑर्बिट कहा जाएगा जो एक डेफिनेट पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस। और ऑर्बिटल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन विच देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।